और आप लोगों ने रियली काफी अच्छा काम किया है. आई एम सो हैप्पी. आप लोगों के काम देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है. कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम लेना चाहूंगी. वो इसलिए सेलेक्टेड हैं क्योंकि उनका काम बहुत बेहतरीन है और वो अलग अलग बैच से हैं. तो सबसे पहले मेरे पास जो सबसे पहले असाइनमेंट आया था वो था सरिता अग्रवाल का, जो कि जशपुर से है और डिप्लोमा बैच में है. ठीक है. और दूसरा असाइनमेंट आया था अनुराधा पटेल का, जो कि इंदौर से हैं और 11th बैच में हैं और वो डिप्लोमा. कौन से बैच में अनुराधा? मैम मैं उज्जैन से हूँ. ओह सॉरी, उज्जैन से हैं. एंड नेक्स्ट असाइनमेंट मेरे पास पहुंचा था पूजा कुमारी का. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. पूजा भी डिप्लोमा में है, तो आई थिंक ये सारा बैच ही डिप्लोमा का है. एंड नेक्स्ट अंजलि का, जो कि ऑलरेडी 2021 की बेस्ट स्टूडेंट है और 2021 में जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 है उनको हम अनाउंसमेंट देंगे मार्च में, जो कि मेरा जब क्रिएटिव फैशन इलस्ट्रेशन का वर्कशॉप होगा उस समय. ठीक है. सो जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा लाइन पे ले लेती हूँ और सब कुछ जोड़ जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से क्लास होगी. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फैशन डिजाइनिंग के लिए क्रिएटिव होना कितना जरूरी है. जब आप लोगों ने टक्स, शेल्स, इलस्ट्रेशंस, जीएमटी, पीएमटी सीखा, तो आप लोगों को एक्चुअली रियलाइज होना चाहिए कि जो फैशन डिजाइनिंग है वो बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें बहुत कुछ करने को है. क्लियर है? यस मैम. सो मैं चाहूंगी अपनी अपनी शीट निकालें, ठीक है, और बारी बारी से अपनी शीट मुझे शो करें ताकि मैं करेक्ट करते जाऊं. और मैं नंबर भी दूंगी. 100 नंबर का असाइनमेंट था आप लोगों का पिंटक्स और शेल्टेक. एक भी अगर आप लोगों ने पैटर्न बनाया होगा तो मुझे दिखा दो, क्योंकि नंबरिंग से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो खुद के कैरियर के लिए. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. तो मैं चाहूंगी पूजा को जोड़ने दो और रिंकू दास को जोड़ने दो. ठीक है, चलो. सो कौन अपना सीट सबसे पहले एक्सप्लेन करेगा? अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि अपने काम को एक्सप्लेन करना कितना इम्पोर्टेंट है एज ए डिजाइनर. यस मैम. चलिए, तो सबसे पहले कौन है स्टूडेंट, ब्रेव स्टूडेंट, जो अपना सीट एक्सप्लेन करेगा? मैम सरिता अग्रवाल. I'm the bravest of all. चलो बताओ. ओके, चलो शुरू करो अपना सीट प्रेजेंटेशन. शुरू करो सीट दिखा के प्रेजेंटेशन करना. हाँ सरिता. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. दिखाओ. यस मैम. मैम दीज आर माय स्ट्रिप्स ऑफ टक. व्हाट आर टक्स? लेट मी एक्सप्लेन इट. अ टक इज अ स्टिच्ड होल्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक रिसेम्बलिंग अ स्लीव. Tucks are used as design details and can be placed on any garment like top, skirt, dress. Sleeves, pants, tucks can be placed in any direction. It may be vertical, horizontal, diagonal. It depends on our creativity. Very good. And the width we can decide as we need. So they as a designer, close or far. Okay. So Sarita, as a designer student, what your feeling yes, about ma'am. The design study with AAD? Ma'am, it has been wonderful experience. I have learned lot of things and I really, now I have explored my creativity and my potential regarding this fashion designing and thanks to you a lot. Aap chehra dikhao. Pehle chehra dikhao. Sheet ho gayi, chehra dikhao. Okay. Thank you so much. Actually, you explain it very well so we can do it. Every assignment after your classes very well. Okay. So, सरिता, मैं चाहूंगी कि जो लोग सीख रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स भी हैं आज के बैच में, इंक्लूड किया आप लोग सीनियर स्टूडेंट है 21 के बैचेस के हैं. सो आपने मैंने एक वीडियो में भी डाला है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे. तो आप लोगों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है एडी के साथ, सारा मिराज के साथ, वो कैसा रहा? व्हाट यू फील? जेन्युइन बताइएगा. एक्चुअली वो जेन्युइन बोल रही हूँ मैम, ऐसे नहीं कि आपके फैक्टरिंग की वजह से बोल रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है. ये जेन्युइन एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि आई डोंट लाइक स्टिचिंग एंड नाउ आई लव स्टिचिंग. वो क्यों हुआ? मैं कुर्ती भी स्टिच करती हूँ, टॉप भी. एक्चुअली बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन, टीचिंग, इंस्पिरेशन, एवरीथिंग मैम. आई लव टू स्टिच नाउ एंड विथ एफिशिएंसी.
ओके सो एज अ डिजाइनर आपको पता चल गया प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर एक्सप्लेन वेरी वेल very well it's really yes, you get the you know points in 50 point 100 mein se main aapko dena chahungi 95% because presentation skill aur is improve karni hai theek hai so 95% is yes ma'am sure ma'am good aur aapka work jo har acha yes, sorry ma'am but next time you will be compelled to give me 100% definitely You can do this. So next yes, मैं आना चाहूंगी कौन स्टूडेंट है जो presentations देगा और अपने मार्किंग सरिता लिख लो नेहा मैम को सेंड करना क्योंकि वो अब मार्किंग के साथ आप लोगों के पोर्टफोलियो शेयर करेंगी ऑन द सोशल साइट बिकॉज योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस योर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यू ऑल ऑफ यू आर टीच और आर स्टूडेंट्स ठीक है सो नेक्स्ट कौन स्टूडेंट आएगा एक्सप्लेन के लिए हैंड ऊपर करो कौन हिंदी में करना Be comfortable, be cool. जिसको नहीं समझ में आता सिर्फ सुनना और जिसको समझ में आता है वो बोलना तो आज की क्लास बहुत जरूरी है आप सबके लिए क्योंकि मैंने सारे बैच को ऑलमोस्ट मर्ज करने की कोशिश की है दो बैच में कन्वर्ट करके ठीक है सो नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा अपना डिजाइन अंजलि अनुराधा कौन एक्सप्लेन कर रहा बोलने की क्षमता नहीं है तो फैशन डिजाइनिंग बंद कर दो अगर बोलने की क्षमता नहीं है तो फैशन डिजाइनिंग स्टॉप कर दो मैम पूजा हाँ वेरी गुड पूजा एंड इंदिरा तो ऑफिस में है और मुबारक फातिमा क्यों आपका कैमरा ऑफ है और किसका ऑफ है खातून का क्यों ऑफ है खातून तो बहुत अच्छा मैम मैम हम घर पे नहीं है एंड तृप्ति हम घर पे नहीं है मैम बाहर है तृप्ति का क्यों ऑफ है ऑन कीजिए एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अनुराधा पटेल कौन एक्सप्लेन करा पूजा पूजा yes, कुमारी चलो एक्सप्लेन करो yes, मैम पूजा कुमारी मैम ये असाइनमेंट मैंने आपको दो नहीं भेजा था इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लीज करो सेट विद पिंस है जो मतलब कहीं भी इसको डिजाइन कर सकते हैं गले में बाजू पे गार्मेंट्स में और मैम वेरी गुड ये फैब्रिक कहाँ से मिला बहुत अच्छा मिल गया आपको फैब्रिक इसमें भी पूरा वेरी गुड सारे स्टूडेंट स्पीकर ऑफ करो सिर्फ पूजा का ऑन रहेगा एक्सप्लेन करो पूजा योर डिजाइन यस मैम मैम ये सेल टेक्स विद वन पील है सेल टेक्स क्रिएटेड डिलीशियस एड फिनिश्ड फॉर बोथ लाइट वेट नाइट एंड वुमेन पेमेंट्स हाई लूम्स एंड लेनिंग स्लिम्स यूज दिस स्टिच ऑन आर्म होल्स एंड नेक लाइन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट फिनिशिंग मैम ये कफ्स हैं हाँ जो आपका बाकी था यस मैम एक्सप्लेन कर सकते हैं आप मैम ये वीविंग का है वीविंग मींस और ये प्लेन वीविंग है सारे स्टूडेंट्स अपने शीट टैली कर लो क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है क्योंकि आप सब सीनियर बैचेस हैं ठीक है आप 21 के बैचेस हैं सारे असाइनमेंट आपके पर्सनल simplest weave which have most basic intelligence every weft yarn for thread gone over a wash thread on yarn and that's under a warm yarn acha pooja aap apna subject and topic zarur explain kare presentations mein yes, ma'am. and introductions mein weaving ka hai indian textile weaving ka plain weaving and drive weaving design bhi bahut acha kiya hai Very good. I'm really happy. I'm really happy. बहुत अच्छा वर्क है एंड सारे बच्चे देखें और अपना प्रेजेंटेशन देते समय आप लोगों को बोलना है Hi everyone. My name is my batch number and my presentation's topic or subject this and this. और अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो should be comfortable in Hindi. But मुझे आज सबकी शीट देखनी है क्योंकि मैं आज आप लोगों को मार्किंग कर रही हूँ ठीक है तो पूजा आपकी मार्किंग वाकई बहुत अच्छी है ठीक है इट्स रियली शीट भी बहुत अच्छे से टैपिंग की है नीट एंड क्लीन है एंड यू ट्राई रियली अमेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू और मैं आप लोगों को एक फैशन डिजाइनर के रूप में अभी से देख रही हूँ कि आने वाले 3 साल में या 4 साल में आप लोगों का अपना क्या अस्तित्व होगा इट्स वंडरफुल अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगी जो हमारा 2022 का बैच है वो बहुत स्मार्ट है आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम में उन्होंने डे वन से अपने काम को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है सारे स्टूडेंट लोगों ने अपना अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया हो जैसे आपने देखा होगा नेहा मैम ने
यू नो शेयर किया है, तो मैं कहूंगी 21 का बैचेस क्यों पीछे है, आप लोग भी अपने चैनल शुरू करें, अपने शीट को एक्सप्लोर करें, अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करें. सो 2022 का बैच आप लोगों से काफी फास्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि 21 का भी बैच हो, वो आप लोग भी फास्ट हो, सबका इंस्टाग्राम चैनल हो, सबका लोगो हो, सबका यूट्यूब चैनल हो. सो वेरी गुड पूजा, यू आर डूइंग वेरी वेल एंड यू गॉट द रियली आई थिंक, मैं चाहूंगी कि आपको भी 95% मिले, क्योंकि आपने शीट बहुत अच्छे से की है, नीट एंड क्लीन है. और सबसे अच्छी बात है कि मैं जो आप लोगों को जो परसेंटेज दे रही हूँ, सिर्फ आपके प्रेजेंटेशंस पे नहीं दे रही हूँ, नेहा मैम ने पूरा आप लोगों का भेजा है कि शीट किसकी पहले आती है, कौन बाद में देता है, किसकी शीट नहीं हुई है, कौन असाइनमेंट टाइम से करता है, द वेरी इंपॉर्टेंट. पूजा हो गई या फिर अंजलि हो गई या फिर झलक या फिर अनुराधा या बाकी और भी स्टूडेंट जिनकी शीट पहले आती है, वो नंबर वन कैटेगरीज में आता है, क्योंकि आप अपने काम को लेके सीरियस हैं और क्लास होते ही आप अपना काम को कंप्लीट करते हैं. क्लियर हो गया, तो आपके भी 95% है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन याद रखिएगा 95 के बाद 70-80 नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरिता ने कहा उसको 100 तक पहुंचना है. और आप दोनों के बैचेस अलग अलग हैं, तो आई एम सो हैप्पी कि सरिता फर्स्ट बैच डिप्लोमा से है, आपका 11th बैच डिप्लोमा से है. एंड अब मैं आती हूँ, नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है, वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशंस पूजा. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, वेरी गुड. कौन एक्सप्लेन, अनुराधा. ओके अनुराधा, करो एक्सप्लेन, पहले इंट्रोडक्शन देना प्रेजेंटेशन के लिए. अनुराधा सेल्फ, अनुराधा पटेल फ्रॉम उज्जैन. I am showing neckline designs from foundation art subject. Very good, Anuradha. Ma'am, these are necklines of different types. Okay. This one off shoulders, this scoop and all. Okay. So, Anuradha, क्या आप बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो सकती हैं हिंदी में? इंग्लिश तो है ही, इट्स वेरी गुड, यू आर ट्राई वेरी वेल, बट मैं चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में, अनुराधा, तो हम उनको कंफर्टेबल करें और उनको भी हम मोटिवेट करें कि वो हिंदी में एक्सप्लेन करें. आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे दीजिए, बाकी शीट की जो प्रेजेंटेशन है वो आप हिंदी में दे दीजिए. मैम, ये हमारी नेकलाइन की डिजाइन है जो हम बाय चांस हम जैसे बुटीक वगैरह खोलते हैं, तो हम उनको ये शो कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपको जो पसंद है वो वैसी नेकलाइन हम आपके लिए बना सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. क्यों जरूरी है नेकलाइन डिजाइन? सब आपने देखा, अनुराधा ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बुटीक ओपन करें या ऑनलाइन स्टोर ओपन करें तो हम शो कर सके हमारा वर्क, कि भाई दिस इज आर स्केचेस, आप इसमें डिजाइन चूज कीजिए. अभी सिर्फ डिजाइन नहीं करना है, इस पैटर्न को कन्वर्ट करना है किसमें, फैब्रिक में एंड डिजाइन और सैंपल में. क्लियर है? जो भी स्टूडेंट अपनी शीट नहीं रखा है साथ में तो रख लो, क्योंकि आज की मार्किंग आप लोगों को या तो ग्रेड हाई करेगी या तो ग्रेड डाउन करेगी. ठीक है, चलो आगे. आपने जो टक्स के बारे में आपने कि हाँ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, रियली नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के. सब्जेक्ट DMT का है, हाँ, और इसे हम क्रॉस स्टिच कहते हैं. क्रॉस स्टिच, वेरी गुड. ओके, ये हम साड़ीज में पल्लों में लगाने के लिए और चुन्नी में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं. शीट कंप्लीट दिखाओ अनुराधा, आपकी शीट नहीं दिख रही है बरोबर से. हाँ, अब दिखिए. वेरी गुड, ठीक है, ठीक है. आगे, हाँ आगे बताओ. पिन टक्स है. ओके मैम, इसे अपने कुर्ती वगैरह में, पॉकेट वगैरह में यूज करते हैं, आगे की नेक डिजाइन करने में भी यूज कर सकते. वेरी गुड, वेरी गुड. So, अनुराधा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है सीखने का? What you learn and how you can learn and what you feel about this courses or what think about AAD? मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली. मैम, मैं सबसे अच्छा AAD से ही सीख रही हूँ. मैं उसके पहले मैंने YouTube में बहुत सारे चैनल्स देखे थे, पर उनमें मुझे कुछ अधूरा लगता था, कुछ समझ नहीं आता था. आप बहुत अच्छे से समझाते और आप समझाते, मैम अच्छे से गाइड कर देती और हमको. ओके, तो जो करेक्शन है वो आप लोग अच्छे से सुधार सकते हैं अपने वर्क को लेके. तो अनुराधा, यू आर सेटिस्फाइड विथ अस? आप सेटिस्फाई हो? फुली सेटिस्फाइड? यू आर हैप्पी विथ अस? यस मैम. ओके, वेरी गुड. चलो, बहुत जरूरी है मुझे जानना आप लोगों का पॉइंट व्यू. मैं नेहा मैम से बोली थी कि मैं जरूर पूछूंगी कि आप कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को किसी दिन लाइव, तो नेहा मैम बोले मैम आप आंख बंद करके पूछ लेना कि मैं उनके साथ कैसी हूँ. सो आप लोगों को नेहा मैम एंड पथिक सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सारी चीजों के लिए, एवरीथिंग अबाउट इट. रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है आप लोगों को? यस मैम, मेरा
फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं बोला था और प्रैक्टिस. वेरी गुड वेरी गुड. नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? जल्दी हाथ उठाओ, टाइम बहुत कम है. अंजलि, चलो अंजलि. वेरी गुड अंजलि, आ जाओ. वेलकम अंजलि, प्रेजेंटेशन. यस हेलो. हेलो मैम, माई सेल्फ अंजलि पाणिग्राही. आई एम फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़. Okay. And my registration code is 4146192. Very good. बताओ अंजलि, क्या presentation दे रही हो आप? Ma'am, my subject today's subject is tassels with cross stitch. Okay. And this is my sheet. Okay. This is notes description. Okay. आप हिंदी में अंजलि हिंदी में comfortable होके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में बताओ आराम से. चलो. टेसल्स वो होता है कॉटन थ्रेड जो डेकोरेशन के लिए जाता है, ब्लाउज और कुर्ती साड़ीज वगैरह में. एंड दिस इज पैटर्न फॉर दिस. आई थिंक अटक रहा है अंजलि का. यस मैम, थोड़ा नेटवर्क कोई इशू नहीं है. मैं शीट शेयर कर देती हूं. हाँ, ज्यादा अच्छा है, शीट शेयर करो. आवाज भी कट रही है, आप शीट शेयर करो, हमें दिख रहा है, बहुत अच्छा है. सारे स्टूडेंट अंजलि का वर्क देखो, क्योंकि अंजलि बहुत अच्छा कर रही है पिछले लास्ट ईयर से. और दिस इज ड्रेपिंग सब्जेक्ट, ड्रेपिंग एंड बेसिक काउल नेक. वेरी गुड. दिस इज पैटर्न एंड दिस इज ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन स्केचिंग. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा. Very good. So excellent. अच्छा, मैंने अनुराधा को और अंजलि, this is shell tux. Okay. Shell tux का sample भी ready किया. On neck and sleeve. Okay. And single pearl and three pearls. Okay. Very good. Very good. Excellent work. Excellent. मुझे लग रहा है सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं. Sheet of cuffs. Okay. And colored cuffs. Yes, ma'am. Ma'am, this. Okay, very good, excellent, very good, Anjali. Next, कौन explain कर रहा है? अच्छा, Anuradha और Anjali की party. One more. Okay, show me. Yes, ma'am. Fast. बता जल्दी. This kurti. Oh wow, किसने? तुमने खुद बनाया? Yes, ma'am. So Anjali, तुमने क्या first time stitch किया है या पहले भी करती थी? No, ma'am, पहले बार किया है. मैम पहले भी करती थी लेकिन अभी इम्प्रूव हो रहा है स्टिचिंग. वेरी गुड. नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? सब बच्चे देख लो, शीट टैली कर लो. और अंजलि और अनुराधा ऑलमोस्ट ये टॉपर स्टूडेंट हैं, तो सारे अलग अलग बैच से हैं, तो मैं इन लोगों को 95 ही देना चाहूंगी, क्योंकि तुम लोग 95 में आके अटक गए हो. सारे स्टूडेंट की प्रेजेंटेशंस बहुत अमेजिंग है. और ये थोड़ा सा थैंक यू मैम. वेरी गुड. एंड बोथ आर स्टूडेंट अपने जो मार्किंग है उसको नेहा मैम को सेंड कर देना. और नेक्स्ट मैं देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट कौन स्टूडेंट है जो अपनी शीट मुझे शो करेगा. और जो नहीं बोला समझ लो वो 100 में से 0. जो नहीं बोला या शीट नहीं दिखाया, मतलब आने वाली चार क्लासेस आने वाली बोल नहीं सकते, पर शीट शो करो और बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा टॉपिक है, बिकॉज एक डिजाइनर स्टूडेंट्स को बताना बहुत जरूरी. अदिति चलो, केमो अच्छे, अदिति केमो अच्छे, भालो अच्छे. जो अदिति अदिति हमारे साथ है, और अदिति को देख के मुझे कच्चा बादाम याद आ गया, जो कि मेरा फेवरेट हो गया है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे रुक के सबको बोलूंगी कि किसको किसको कच्चा बादाम पसंद है, मुझे प्लीज शेयर बताओ. और यहाँ पे थोड़ा सा थोड़े सा मैं मस्ती करने के मूड में हूँ, ठीक है, रोक के, क्योंकि मैं आई थिंक पहली बार इतने सालों में मैं गाने वाने नहीं सुनती हूँ. ठीक है, आई थिंक 7-8 साल के बाद कुछ चीज ऐसी है आई है जो मुझे यहाँ पे हिट करी है, और उसका ट्यूनिंग एंड उसका जो लिरिक्स है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है. तो किसको याद हो गया कच्चा बादाम का गाना, वो मुझे प्लीज सुना दे. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. या म्यूजिक में बजा दू? अंजलि तुमको कच्चा बादाम याद है? नहीं याद है. अच्छा, एक मिनट. हाँ, तब तक से शीट निकालो, जल्दी से शीट निकालो फटाक से, क्योंकि अभी थोड़ा सारा मैम का ना मूड हैप्पी हैप्पी वाला है. जब गुस्सा होती है तो तुम लोगों को पता है कि क्या सीन चलता है बैग में. सो नेहा मैम, डर लगता है.
मत डरो, तुम लोगों को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा डराना जरूरी होता है। सो नेहा मैम ने मुझे एक भेजा था और मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद की थी। मैंने नेहा मैम को बोला था, यार आज तक कभी शेयर नहीं करवाई हूँ मैंने कोई भी गाना वाना अपने एडी इंस्टीट्यूट में, तो एक रील आया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने बोला कि नेहा मैम ये शेयर कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने शब्द देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता। किसने किसने इंस्टाग्राम देखते हो, कौन कौन इंस्टाग्राम देखते हो? मैम पूजा मैम, पर कभी कभी मैम टाइम मिलता है तो तो कौन कौन फन करता है? हाँ, स्टडी के साथ कौन फन करता है? स्टडी के साथ साथ बीच में कौन कौन फन करता है? सब करते हो, मूड फ्रेश होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? मैम अदिति बोलेंगी। अदिति, अदिति के बाद माधवी, रेडी रहना। और नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का जो रेगुलर टाइम टेबल है वही टाइम टेबल फॉलो करना, ठीक है? सो अदिति, शो मी द योर असाइनमेंट। ओके अदिति, शो मी अ असाइनमेंट। अरे वाह, अदिति का तो देखो वो बहुत छिपी रुस्तम है, बहुत प्रिटी लग रहा है। इसने मेरे ख्याल से हर एक टक्स में डाल दिया है। कहाँ गई अदिति? ये तीन टक्स है, दिखाओ। ये हम लोग डिजाइन के लिए कर रहे थे, तीन टक्स है। इसमें छोटा छोटा फोल्ड लेके हाफ इंच का भी फॉर्म लेके हम लोग इसको डिजाइन का काम में यूज कर रहे थे। ये फ्रॉक में हाथ में बहुत सुंदर यूज हो रही थी। देखो सारे स्टूडेंट देखो कि कितना अच्छा से इसने किया है। शिफा अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपनी शीट भी रेडी रखिए, मैं आपके पास आने वाली हूँ। और तृप्ति भी अपना वीडियो ऑन। नेक्स्ट दिखाओ असाइनमेंट। सारे बच्चे देखो जो जो पेंडिंग रह गया असाइनमेंट वो आप लोग करना जरूर, एक दूसरे से सीखो। नेक्स्ट ब्यूटीफुल, देखो कितना अच्छा क्रिएट किया इसने। ये तो अभी सीखा नहीं है लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ गई है अदिति, मैंने अभी बताया नहीं है। ये वाले डिजाइन ये टक्स में ही आते हैं, बताओ एक्सप्लेन करो। मैं छोटा छोटा करके फोल्ड लिया था। हाँ? और फोल्ड लेके एक दूसरे को साथ अटैच किया है, साथ अटैच कर दिया यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें ये डिजाइन बन गया। वेरी गुड, बहुत मैंने और एक डिजाइन किया। हाँ? ये मैंने गैप देके पिन टैग को यूज करके और एक डिजाइन बनाया। देखो कि ये होती है क्रिएटिविटी, ठीक है? आप लोगों भी फ्यूचर में अपनी क्रिएटिविटी को इसी तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना, जो मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ। क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट जल्दी दिखाओ, बाकी स्टूडेंट भी बाकी है। अभी मैंने वो हम लोगों का जो स्लिप है, स्लिप दिखा रही थी। ये है जो मैगी स्लिप है, ये थोड़ा लूज होती है। और इसको जो इस जो बाजू का साइड में जो है यहाँ पे एक फोल्ड है और ये पेपर कटिंग है। और ये मेरा फुल स्लीव का छोटा पैटर्न है। चलो अच्छा, याद रखिएगा आज हम लोग सिर्फ पिनटक्स की असाइनमेंट ही चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा और अपने अपने सारे शीट्स मुझे दिखा दीजिए ऑन द स्क्रीन, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ इलस्ट्रेशंस और स्केचेस के बेसिक बताऊंगी, ठीक है? तो इसलिए फटाफट सारे स्टूडेंट अपनी शीट अपने अपने ही विंडो पे दिखा दो ताकि मेरे को सबको एक साथ दिख जाए। अच्छा अंजलि और बाकी स्टूडेंट के मार्किंग नेहा में बता देंगे, ठीक है? तो नसरीन खातून, जो स्टूडेंट छूट गए हैं जैसे गीता, ठीक है, जैसे कि पूजा, पूजा नायक, ये सारे स्टूडेंट अपने अपने वर्क को मुझे फटाफट शो कर दें जो भी आप लोगों ने बनाया है। मैं भी हूँ मैम। अच्छा रिंकू, लेकिन रिंकू आप तो ऑफिस में हो। यस मैम ऑफिस में हूँ, बट ऑन करके देख रही हूँ, फोन छुपा के देख रही हूँ मैम। अच्छा वेरी गुड, गीता के पास में आती हूँ क्योंकि मुझे गीता का असाइनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो गीता एक टीचर है, ठीक है? ये भी एक टीचर है। क्यों गीता देवी कहाँ गई आप? बाकी सारे स्टूडेंट अपना स्पीकर ऑफ करके हम गीता को सुनेंगे। तो गीता आ जाओ आप, कहाँ गए गीता? आ गई गीता। हाँ गीता बताओ।
हाँ नमस्ते मैम, मेरा नाम गीता है और आज मैं सब्जेक्ट क्या है डिजाइन प्रोसेस टॉपिक सेल टैक्स है। पिन टैक्स वाला मैं देखी नहीं थी उस दिन, मैं शायद वहां से चली गई थी इसकी वजह से। चलो क्या बात, वीडियो अपलोडेड है वैसे, वीडियो गीता अपलोडेड है पिन टैक्स क्या, तो आप ध्यान से देख लेना। और पूरा एक प्लेलिस्ट बना है टैक्स के, तो उसमें भी मैंने पिन टैक्स को स्टिच करके दिखाया है। टाइम हमारे पास 10 मिनट है और बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अभी नेक्स्ट वीक भी क्लासेस होंगे ना, वहां पे प्रेजेंटेशन देना। तो कितने असाइनमेंट किए हो शेल टैक्स के, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं शेल टैक्स, वेरी गुड, इट्स लुक ब्यूटीफुल, और डिजाइन भी आपने अच्छा किया है। अरे वाह, दैट्स गुड। अच्छा देखो, डिजाइन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सलेंट गीता। एंड गीता तुम्हें क्या, मैं कुछ और दिखा देती हूँ। हाँ प्लीज, मैंने चिपकाया नहीं है। हाँ प्लीज दिखा, अलग दिखाती हूँ। अच्छा दिखा, ओके। और ये वाला था, और गले पे किया है ये वाला, देखिए दिखाओ ये कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा ये बताओ गीता, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे जगह पे तुम्हारा जो, चूंकि गीता गांव में रहती है जहाँ कोरियर सेवा भी उपलब्ध नहीं है, पोस्ट के थ्रू बुक वगैरह भेजना पड़ता है गीता को, फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो गांव में रह के, हाउ डू यू फील? एक्चुअली मैं गांव में नहीं हूँ। फिर कहाँ रहती हो? तो पोस्ट ऑफिस कोरियर वाला बोलता है, मैम गीता देवी तो में कोरियर सेवा उपलब्ध नहीं है, तो कैसा शहर है तुम्हारा? बहुत छोटा सा, जबकि हाँ बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल ही है, पर यहाँ सारी सुविधाएं जैसे अमेज़न वगैरह से हम मंगाते हैं ना, तो घर तक पहुँचा के जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ आ जाता है, अब वहाँ से क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, ओके, तो तुम्हारा ठीक लग रहा है मुझे, बहुत सुंदर। बाकी लोगों से पूछ लो कैसा लग रहा है नेक डिजाइन, कोई बता दे। ब्यूटीफुल गीता, थैंक यू, क्योंकि मैं थोड़ा लेट रहती हूँ ना, और मेरा काम भी ऐसा है, तो इसकी वजह से मैं कर नहीं पाती। और मैंने इसमें टसल नहीं लगाए हैं, पर ये पूरा किया है मैंने। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है ना, पिंक के साथ व्हाइट का। एक्चुअली हम आगे जब पढ़ेंगे हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल में, जिसमें हम चिकन वर्क सीखेंगे, ठीक है, और चिकन वर्क चिकनकारी जो हो गया और बाकी सारी चीजें वो आगे के डेट में सीखेंगे, तो वो बहुत प्रिटी है। स्लिप्स का बहुत अच्छा लग रहा है, गुड, वेरी गुड। एंड पैजामा बॉटम, वेरी गुड। मैं पहले भी ये सब चीजें सीखी हुई हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं होता, टाइम की प्रॉब्लम है मेरे पास, नहीं है। मतलब इंटरेस्ट ऑफ फील्ड बहुत एक्सलेंट है, ठीक है। चलो अब कौन है जो जल्दी से, मोस्ट वेलकम गीता। आप लोगों की मार्किंग बाकी बच्चों को नेहा में भेज देंगे, क्योंकि और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो मैं आती हूँ खातून के पास, कौन एक्सप्लेन करना चाह रहा अपना डिजाइन? खातून तुम करने वाली हो? हाँ मैम, चलो दिखा। हेलो मैम, हेलो एवरीवन, मैं ये डिजाइनर कुर्ती अपना ये करने, स्पीकर ऑफ कर दीजिए सारे स्टूडेंट, सिर्फ खातून का ऑन रहने दीजिए। और मैम मैंने ये प्लेन फैब्रिक पे, स्पीकर हेडफोन हटाओ, हेडफोन हटा के बात करो, नहीं तो घर घर आएगा। हाँ मैं ये गले का डिजाइन प्लेन फैब्रिक पे ये डिजाइन की हूँ, और ये मैंने प्लेन ये लेस मैंने यूज किया हुआ है, और ये साइड में मैंने लटकन दिया हुआ है। खातून शीट कहाँ है आपकी पिन टैक्स की? मैं थोड़ा बाहर आई हूँ अपने रिलेटिव। ओके ओके चलो कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कौन स्टूडेंट शीट लेके रेडी है अपना, जल्दी दिखाओ। पूजा शीट रेडी है? नसरीन? यस मैम। पूजा दो दो, पूजा कुमारी, पूजा नायक, दो दो पूजा है ना, ठीक है, पूजा कुमारी एंड पूजा नायक, पूजा नायक, पूजा नायक, शीट दिखाओ पूजा नायक। मैम पिन टैक्स नहीं हुआ है। अच्छा जो भी शीट आपने किया है बेटा आप दिखा दो, तो मैं देख सकूं कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी है। मैम आधा हुआ है, तो घर में शादी था तो फिर नहीं कर पाई थी, बताई थी मैम। एक काम करो, शादी अटेंड करते रहो, काम हम कहाँ सीख रहे हो फैशन डिजाइनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं छोड़ो यार, क्या शादी वादी में ज्यादा मजा आता है? नहीं तो मेहमान भी आए हुए थे ना, घर में जगह नहीं होता है। अच्छा कौन और दिखा रहा है? तेजल, शो मी द योर शीट जल्दी।
अच्छा एक चीज कान खोल के आप लोग सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, जो वर्कशॉप हो रहा है फैशन स्केचेस के, आप लोगों के पोर्टफोलियो में काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, और मैं सिर्फ सिलेक्टेड 10 स्टूडेंट्स को लूंगी जिनकी मार्किंग हाई है, ठीक है? सिर्फ 10 बच्चे मैं सिलेक्ट करूंगी, तो अपना नाम काइंडली दे दो ताकि उनमें से तुम सिलेक्ट हो जाओ। जो तुम अपने ऊपर काम करो, अपने इलस्ट्रेशन पर काम करो, तो 3 मार्च और 6 मार्च को जो हमारा वर्कशॉप है जिसमें हम लाइव सीखेंगे जूम मीटिंग में, क्या ऐसा टेक्निक हम नया सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना, अपना फैशन स्केच को और इम्प्रूव करना है, प्लीज काइंडली अपना नाम दे दो नेहा मैम को, ठीक है? फीस ₹399 है, ठीक है? एक बार ही बाहर जाके तुम लोग चाट पानी पूरी खा के फेंक देते हो, तो वो पैसे को काइंडली अपने ऊपर खर्च करो ताकि वो रिफंड आपको आगे फ्यूचर में दे सके, तो रियलाइज करोगे कि हाँ हमने जो सीखा वो बेहतर सीखा, ठीक है? अगर लगता है कि आप लोगों को सीखना चाहिए तो ज्वाइन करना, जिनको नहीं लगता है सीखना चाहिए काइंडली प्लीज ज्वाइन मत करना। मेरे पास सिर्फ 12 सीट है, तो 12 सीट मैं उन्हीं को दूंगी जो दिल से चाहते हैं आगे बढ़े, आगे आए और कुछ नया सीखे। टाइम पास करने के लिए प्लीज नाम मत देना। चलो खातून के बाद आप कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तेजल। चलो तेजल बता, तेजल दिखाओ अपना असाइनमेंट जल्दी से फटाफट। हाय ऑल, मेरा नाम तेजल कुगसिया है, मैं राजकोट से। तुम गुजराती में बोलो तेजल। तेजल एक्सप्लेन करो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी शीट और असाइनमेंट दिखाओ। तुम लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में दिखाने का रीजन ये है कि आप देखो कि आपके साथ वाले स्टूडेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, आप लोग अपने आप को कम्पीट कर पाओ बैचेस से, ठीक है? वेरी गुड। और दिखाओ नसरीन, अपना सीट रेडी करना, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। यस मैम। तो गो ग्रीन अर्थ ग्रीन, आई एम सो हैप्पी कि तेजल भी मेरी तरह सोचती है कि हम अपने वर्ल्ड को ग्रीन बनाए, एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक पूरे 100 स्टूडेंट्स में सिर्फ एक तेजल है जिसने वीडियो देखा और गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट में जुड़ गई। आई थिंक शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु इज ज्वाइन अ गो ग्रीन अर्थ कॉन्सेप्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी तेजल। सीरियसली अगर हम अपने अर्थ के बारे में सोचेंगे तो हमें काफी कुछ परवरदिगार देगा, हमें अपने अर्थ को ग्रीन बनाने के बारे में सोचना जरूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हो गया, बाकी अपनी शीट की फोटो भेजोगे किसको? नेहा मैम को, ठीक है? आज सोनी पूजा दीदी, सोनी दीदी को फोन करके बताइएगा कहाँ गायब है। मैम मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ फोन कर करके। ये तो कोई गलत बात है यार, फोन करने से कोई परेशान थोड़ी होता है, है? मैम फिर भी वो बिजी रहती हैं, उनके बच्चे हैं, तो अब मैं नहीं सोचती हूँ क्या कॉल कर। तो मैसेज डाल दिया करो पूजा दीदी, फोन करके मैसेज डाल दो कि सोनी दीदी क्लास में सीट दिखाना है। गाय में मतलब नंबरिंग खत्म आज के पहले सेमेस्टर का। मतलब कौन बोल रहा है जल्दी बोलो, हमारे पास एक राबिया मैम। राबिया बसरी, मेरा परसों का ही असाइनमेंट थोड़ा सा बाकी रह गया, मोतियां कम पड़ गए ना, एक तो दिखती नहीं है, लगा के भेज। तू तो दिखती नहीं है, खराब है ना मैम? एक तो रविया बसरी मुझे दिखती नहीं है। हाँ आपका कैमरा तो ऐसा है कि माशाल्लाह, पहले तो सकल भी आप लोगों को रविया बसरी दिख रही है। मैम बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में दुधले में एकदम। नहीं मैम कैमरा खराब हो गया ना, फोटोज भी है ना भाई के फोन से ही लेके भेजती मैं आपको। रविया बसरी सबसे पहले बेटा आप ये काम करो, अपने मोबाइल को प्लीज 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 अल्लाह के वास्ते बदला दो, ठीक है? ताकि हम तुमको देख सके, ठीक है? तो अब तुम लोगों का असाइनमेंट चेकिंग का काम खत्म हो गया, मेरे को समझ में आ गया कि कौन स्टूडेंट कितना बनाया है। नंबरिंग और मार्किंग नेहा मैम दे देंगी। नेक्स्ट मंडे से जो भी आपकी रेगुलर क्लास है, रेगुलर टाइम है, रेगुलर डे है, उसी में होगा, लेकिन ध्यान रखना कि अपने प्रेजेंटेशन और अपने वर्क पे फोकस करना है, ठीक है? क्लियर है? Yes, आप भी अच्छा कर रहे हैं रविया बसरी, लेकिन बेटा आपका असाइनमेंट तो आ रहा है, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई है, लेकिन असाइनमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो डे वन से, एंड आई एम सो हैप्पी। हम मैं हैप्पी हूँ सारे स्टूडेंट से। हाँ माधवी, माधवी रह गई, बोलो बेटा।
जल्दी मैम, सॉरी मैम, मैंने अभी लास्ट असाइनमेंट नहीं किया है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपको नेहा मैम याद कर रहे थे कि माधवी को तो शायद उनको नहीं पता है शायद कि असाइनमेंट नहीं आ रहा है। चलो बताओ। I'm myself Madhvi Verma and these are my GMT file. Okay.